तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे जबरदस्त फायरबेस की सीरीज में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने होस्ट तो कर दिया, बट एक छोटा सा पॉइंट बताना मैं भूल गया। देखो, हम लोगों ने जो SDK है हमारे फ्रंट एंड में ऐड किया है, तो वो तो कोड कोई भी देख सकता है, तो हमारे कीज उठा के कोई भी हमारा बैकएंड अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकता है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई कर पाए। उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया गूगल पे कौन सोलर, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। मैं जो है सिर्फ अलाउ करूंगा कि जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है इसी डोमेन से अलाउ हो, ठीक है? यस, तो वो हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे हम लोग को अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। सो ये है मेरा, ये ऑल में आएंगे और मेरा है फायरबेस ट्यूटोरियल, ये हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है? यस, एंड यहाँ पे हम लोग आएंगे क्रीडेंशियल्स में, एंड ये है हमारा API की। यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे एडिट पे, एंड यहाँ पे हम लोग HTTP रेफरेंस, अब यहाँ पे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे जो है ये डाल सकते हैं, ये जो हमारी वेबसाइट का ये है कंट्रोल सी एंड एड आइटम, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, ये मैं डाल सकता हूँ, ठीक है? एक और है यहाँ पे, अगर आएंगे तो इससे भी अलाउ हो रिक्वेस्ट, ठीक है? सो इससे भी रिक्वेस्ट अलाउ, इसको भी कॉपी करते हैं, यानी यहाँ पे डन एंड एड अनदर आइटम कंट्रोल वी डन। सो अब जो है जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है ये सिर्फ इन्हीं दोनों से अलाउड होगी, इसके अलावा किसी से अलाउड नहीं होगी। यस, एंड यहां पे सेव में क्लिक कर देते हैं। ओके, सो अब हम लोग यहां से एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, लॉग इन होता है कि नहीं। लॉग इन hitesh@hitesh.com, पासवर्ड 123456, सबमिट, हो जाएगा लॉग इन। ओके, हो रहा है, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब हम लोग इसको लोकल होस्ट से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये मैंने लोकल होस्ट पे चलाया हुआ है, लोकल होस्ट पे चल रहा है ना? एंड अब यहाँ पे लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबमिट, एंड ये हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यस, परमिशन डिनाइड। ये यही फीचर हम लोग डालना चाहते थे। हम लोग नहीं चाहते हमारे कोई कीज उठा के अपने हमारा बैकएंड अपने एप्लीकेशन में यूज कर ले, तो ये एक छोटी सी सेटिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? यस, सिमिलरली अगर हम लोगों ने फायरबेस मोबाइल ऐप में ऐड किया हुआ है तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने वेबसाइट में डाला हुआ SDK, हम लोग यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, एंड्रॉइड एप्स इसका भी ऑप्शन है। हाँ, सो ओके, सो अगेन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोगों ने वेबसाइट के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीरीज में ऑब्वियसली वेबसाइट बनाई है, ऐप बनाएंगे किसी फायरबेस यूज करके, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो मिलता हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में।